बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटी, बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का दो इसको अधिकार। बेटे भाग्य से होती हैं पर। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। इससे पहले का मैंने थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए, ये लगी है फेट और इसमें काफ़ी जगह जगह स्टेट के लोग आए हैं, जो हैंडमेड जो बना होता है वो सब लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ आए हैं आनंदीबेन पटेल जो मिल रहे हैं। कितने सुंदर हैं ये, राज्यपाल और दिल्ली बच्चों के साथ और टीचर से यहाँ आने के उपलब्ध। ये कहाँ का है? मणिपुर। अपना जो हैंडीक्राफ्ट का सामान है ये देखिए मणिपुर का है और अलग अलग स्टेट का है। आप देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग। मेखला जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ा इंटरेस्ट है कीजिए और ये पूरा ब्लॉग देखते जाइए। दिया है ना, कहाँ का है आपका? कहाँ का है? कोल्हापुर का है। कोल्हापुर महाराष्ट्र। जैसे ये खड़ा दिया वाला है ना, ऐसे इसमें तेल डालने से ये जलेगा। देखो दिया तो देखो, हमारे ये कितने का? हाउ मच? 125। मतलब इसमें बत्ती कहाँ से डाल? अच्छा ये है, ठीक ठीक अच्छा लग रहा है। ये किस चीज का बना है? नहीं वो तो है, ये किसका बना है? पैसे, पुराना पैसा। पुराना पैसे के बने हुए हैं जिनको चमका रखा है। 25 पैसे ये। हाँ ये जो बिना ये पॉलिश कर दिया है ना इनमें, ये बिना पॉलिश कर। लद्दाखी गरम कपड़े हैं ये, है ना? पश्मीना कौन से मिलते हैं? ये सब पश्मीना है। ये मतलब ये शॉल की तरह लेना है, है ना? कितने क्या है इसकी कॉस्ट? 18,000 का है बड़ा वाला। ये जो है ना, मतलब ये भी इसकी तरह ही गर्म होता है? गर्म होता है पर ये मतलब कम का है। 9,500। ये जो है ये भेड़ की उल का, ये तो ये बहुत क्या बोलते हैं, गर्म है। हाँ। लेकिन ये किसे भेड़ की उल से, शीप की उल से? गोट की है। गोट। ये क्या चीज है ये? बेरी जूस है। बेरी ठीक ठीक ऑरेंज जूस जैम। बाकी इसमें गर्म कपड़े हैं सारे। I don't know. ये है कहाँ का? ये मध्य प्रदेश का। ये बहुत सुंदर है। ये बेडशीट है। बेडशीट है। ये सूट है। ये कितने कितने की है बेडशीट? प्यारे ऊपर तक सजा रखा है और क्या। तो फ्रेंड्स देखते जाइए और एंजॉय कीजिए, बने रहिए लास्ट तक। अभी आगे और इंटरेस्टिंग है। फिर इनका जैसे इनका खत्म होएगा फिर हमारा 5 मिनट का सॉन्ग, मतलब एक एक प्रोग्राम के बाद हमारा। इनके 2-3 अच्छा
मतलब लास्ट में हमारा है, जब इनके खत्म हो जाएंगे फिर हमारा है, ठीक है, अनाउंस होगा, हम लोग अनाउंस होगा, लेकिन मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रही हूँ कि ऐसे सीक्वेंस में आएगा कि जब ये खत्म हो जाएंगे फिर आपका आएगा। तो फ्रेंड्स आ गई हैं आनंदीबेन पटेल, जो बहुत ही सादगी और सरल महिला हैं, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने जब वो गुजरात में थी तो कितने क्या क्या कार्य किए, सब बच्चों को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वाड़ी से आए अध्यापक कर्ण एवं छात्रों, अकादमी मौसम द्वारा प्रस्तुत की गई कठिनाइयों के बावजूद हम सब इस विशिष्ट अवसर पर सम्मिलित हुए हैं। यह यहाँ उपस्थित व्यक्तित्वों की अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है एवं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास किस प्रकार सबका विकास के लक्ष्य को सार्थक कर सकते हैं। इस उपलक्ष्य में आज की सभा एक लघु परंतु जीवंत उदाहरण भी है। नहीं सकती मीरा की अमर भक्ति जैसे मन नहीं सकती, झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। बता नहीं सकते इन बेटियों के हैं कितने रूप, बता नहीं सकते इन बेटियों के हैं कितने रूप, बस ये समझ लो सर्द मौसम में सुहानी सी है ये धूप, पर जो स्वर्ग को जमीन पे ले आए वो होती हैं बेटियां। ये सच है कि बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, बेटे माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, पर जो स्वर्ग को जमीन पे ले आए वो बेटियां कहलाती हैं। हाँ मैं एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ, मेरा होना मेरा दर्द है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। ये सच है, ये सच है कि बेटे बाप की जमीन बांटते हैं, ये सच है कि बेटे बाप की जमीन बांटते हैं, पर बेटियां हमेशा बाप का दुख बांटती हैं। लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, बेवकूफ है वो लोग, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। जरूरी नहीं रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटी, बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का दो इसको अधिकार। बेटे भाग्य से होती हैं पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं, बेटा अंश है तो बेटी वंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है। धन्यवाद। आज्ञाकारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल निदेशक। पर्वत भी ना डिगा सका जब हौसलों ने छलांग मारी, पर्वत भी ना डिगा सका जब हौसलों ने छलांग मारी। जन वहाँ हेल्थ का काम भी करना है, पर्यावरण का भी काम करना है। कोई आईपीएस बनेगा तो पुलिस बनकर जाएगा, तो उनको भी वैसा काम करना है, क्योंकि बड़े बड़े आवास सबसे नीचे। आई होप आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।